बंदर सेब चोर, मासूम खरगोश और मूर्ख हाथी। खरगोश और हाथी दोनों सेब की दुकान के सामने झगड़ा कर रहे थे। हाथी खरगोश को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रहा था। खरगोश कभी दुकान में छुप जाता तो कभी दुकान के पीछे, तभी वहाँ बंदर आता है। अरे हाथी रुक जा, क्यों इतना गुस्से में है? अरे बंदर, मेरे मालिक बड़ी ही उम्मीद से दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर डालकर वो 3-4 दिन के लिए गाँव गए है। मैंने मेरे दोस्त खरगोश पर विश्वास किया, पर वो तो सेब चोर निकला। क्या कह रहे हो हाथी, वो इतना सा खरगोश तुम्हें चुना लगाएगा? अरे खरगोश ने कम से कम दोस्ती का तो लिहाज रखना था। अब जब मेरे मालिक वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? मेरे मालिक का बहुत नुकसान कर दिया इस खरगोश ने। ये सुनकर खरगोश सामने आता है और कहता है, हाथी मेरा विश्वास कर, मैंने सेब की चोरी नहीं की। और बंदर, तू भी आग में घी डालना बंद कर। अब ज्यादा बात मत कर तू खरगोश, देख मेरे नजरों के सामने से हट जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। तब खरगोश वहां से चला जाता है। बंदर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, हाथी बड़ा ही परेशान था। तब बंदर कहता है, अरे हाथी परेशान मत हो, चोर की बला तो टल गई ना। बंदर हाथी को झूठा दिलासा देता है और मन ही मन सोचता है, तुमने जो किया वो बिल्कुल सही किया, अब उस खरगोश को आसपास भी मत भटकने देना, वैसे मैं तुम्हारे दुख में शामिल हूँ। बंदर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, ये हाथी तो बड़ा ही मूर्ख निकला, कौन सच्चा कौन झूठा समझ ही नहीं पाया। हाथी की मूर्खता का ऐसे ही फायदा उठाना होगा, वैसे हाथी को कभी पता नहीं चलेगा कि सेब चोर खरगोश नहीं मैं हूँ। दरअसल दुकान में जब दुकान मालिक नहीं रहता था तब बंदर ही चुपके से आता, हाथी का ध्यान भटकाता और सेब चुरा लेता था। अब तो बंदर को और भी अच्छा मौका मिला था। अब बंदर रोज हाथी से मिलने लगा। हाथी, दुकान का क्या हाल है आज? कहीं वो चोर खरगोश फिर से तो नहीं आया ना? नहीं बंदर, खरगोश नहीं आया, पर कल मेरे मालिक आने वाले हैं। पता नहीं उन्हें क्या बताऊंगा मैं। अरे सारा इल्जाम उस खरगोश पर डाल देना, अब चोर को तू पकड़ नहीं पाया, इसमें तेरी क्या गलती? तू ज्यादा टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुझे ना आराम करने की जरूरत है, देख तू सो जा, मैं दुकान संभालता हूँ। ठीक है बंदर, तू ही मेरा सच्चा दोस्त निकला, तुझे मेरी कितनी फिक्र है। हाथी आराम करने जाता है, तब बंदर दुकान से कुछ सेब चुराता है और उन्हें दुकान के कुछ ही दूरी पर छुपा कर रखता है। वापस जब हाथी उठने लगता है तो बंदर भी सोने का नाटक करता है। बंदर को भी सोया देख हाथी दुकान पर नजर डालता है तो फिर से सेब चोरी हो गए थे। हाथी बंदर को उठाता है। अरे बंदर उठ उठ, देख फिर से सेब की चोरी हो गई। बंदर नाटक करते हुए जाग जाता है और कहता है, क्या सेब चोरी हो गए? हे भगवान, मैं ही बड़ा बेवकूफ हूँ। अरे तुम्हारे सोने के बाद खरगोश आया था, उसने माफी मांगते हुए मुझे केला दिया खाने को। लगता है उस केले में उसने कुछ मिलाया था, इसलिए मैं भी सो गया। ये सुनकर हाथी को खरगोश पर बड़ा गुस्सा आता है। बंदर तो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब दुकान का मालिक आता है और उसे जब नुकसान का पता चलता है तो वो हाथी पर ही गुस्सा करने लगता है। हाथी, तू तो भरोसे के लायक ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर तूने मुझे अच्छा चूना लगाया, तेरे लिए तो जंगल ही सही जगह है। दुकान का मालिक हाथी को वहाँ से भगा देता है। हाथी रोते हुए जंगल आता है, तब उसे खरगोश मिलता है। हाथी खरगोश को सारी बात बताता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ खरगोश, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे हाथी, क्या तुमने मुझे खुद देखा चोरी करते हुए? नहीं ना, फिर तुम किसी और की बातों में कैसे फंस गए? मुझे ना बंदर पर शक है, एक बार मेरा प्लान सुन लो, तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खरगोश हाथी को अपना प्लान सुनाता है। हाथी दुकान मालिक के पास आकर कहता है,
मालिक, आज उस सेब चोर को पकड़ना है। कृपा करके आप इस सेब की टोकरी के पीछे छुप जाइए और जैसे चोर सेब को हाथ लगाएगा उसे पकड़ लीजिए। मैं उस पेड़ के पीछे छुप कर रहता हूँ। दुकान का मालिक सेब की टोकरी के पीछे छुप कर बैठा रहता है तो हाथी पेड़ के पीछे। ऐसे में बंदर आता है। बंदर को लगता है कि मैदान खाली है, तब वो सेब चुराने जाता है। जैसे ही बंदर सेब को हाथ लगाता है, मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे लकड़ी से मारने लगता है। अरे अरे मुझे मत मारो, छोड़ दो, छोड़ो। तभी खरगोश और हाथी भी सामने आते हैं। तब हाथी कहता है, मालिक छोड़ दीजिए बंदर को। अरे बंदर, तुमने मुझे धोखा दिया, अपनी लालच के लिए हम दोनों की दोस्ती भी तोड़ दी। मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। तुझे माफ कर दिया बंदर, लेकिन अगर आगे से ऐसा कुछ किया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। बंदर को माफी मिल जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि असली सेब चोर कौन है। तब सब ठीक हो जाता है। दुकान का मालिक भी खुश हो जाता है। वो हाथी को फिर से दुकान में रखता है और खरगोश और हाथी की दोस्ती भी फिर से हो जाती है। नीति, कभी भी अपने फायदे के लिए दोस्तों में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए और चोरी करना बुरी बात है। बंदर और टमाटर चोर, एक बार की बात है। खरगोश ने अपने खेत में टमाटर उगाए थे। खरगोश अपने टमाटरों को लेकर बहुत खुश था। हाथी, लोमड़ी और हिरन खरगोश के बहुत अच्छे दोस्त थे और खरगोश ने इन तीनों को सख्त मना किया था कि कोई भी उसके टमाटर नहीं छुएगा। अगर किसी ने छू लिया तो वो महाराज से उसकी शिकायत कर देगा। जंगल राजा शेर बहुत ही दयालु और अपने नियमों का पक्का था। शेर ने जंगल में नियम बनाया था, कोई भी जंगल में किसी का खाना नहीं चुराएगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा। अगर किसी ने शेर के नियमों का उल्लंघन किया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। एक दिन हिरन जंगल में घूम रही थी कि तभी उसकी नज़र खरगोश के टमाटर पर पड़ती। वो टमाटर के पास जाकर उन्हें देखते हुए अपने मन में कहती, अरे वाह, कितने ताज़े और लाल लाल टमाटर हैं, इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। काश खरगोश मुझे भी कुछ टमाटर दे देता। कि वहीं पास में बैठा खरगोश हिरन की बातें सुन लेता है और कहता है, अरे ओ हिरन, तू अपना ये ख्याल सिर्फ ख्याल तक ही रखियो, मेरे टमाटर छूने की कोशिश भी मत करना, समझी। खरगोश यूँ बोल ही रहा था कि वहाँ हाथी और लोमड़ी भी आते हैं। अरे खरगोश, हम तीनों तो तेरे दोस्त हैं, अगर हमने एक आधा टमाटर खा लिया तो क्या हो गया? देखो हाथी भाई, दोस्ती अपनी जगह है, मैं तुम्हें अपने टमाटर नहीं दे सकता। तुम जानती हो आजकल टमाटर कितने महंगे हो गए, मैं अपने टमाटर किसी को नहीं दूंगा। अरे इसे तो दोस्त से बढ़कर टमाटर प्यारे हैं, चलो चलते हैं, हमें भी नहीं चाहिए इसके टमाटर। यूँ हाथी, लोमड़ी और हिरन वहाँ से चले जाते। अगले दिन खरगोश हर रोज़ की तरह अपने टमाटर देखने खेत के पास जाता है और वहाँ के नज़ारे देख कर वो चौंक जाता है। उसके सारे टमाटर चोरी हो चुके थे। अरे किसने चुराए मेरे टमाटर? मेरे टमाटर छूने की किसकी हिम्मत हुई? अब भी जाकर महाराजा से शिकायत करता हूँ। यूँ खरगोश उदास होकर शेर के पास पहुँचा। अरे खरगोश, तुम यहाँ सब ठीक तो है? महाराज प्रणाम, किसी ने मेरे खेत के सारे टमाटर चुरा लिए। क्या, मेरे जंगल में चोरी? किसकी इतनी मजाल कि वो मेरे जंगल में चोरी करे? तुम्हें किसी पर शक है? महाराज मुझे मेरे दोस्त हिरन, हाथी और लोमड़ी पर शक है। कल उन्होंने मुझसे टमाटर मांगे थे, मैंने नहीं दिए। लगता है उन तीनों ने ही मेरे टमाटर चुरा लिए। तुम चिंता मत करो, अगर उन तीनों में से किसी ने भी तुम्हारे टमाटर चुराए हैं तो उनके किए की सजा उनको जरूर मिलेगी। ये कहकर शेर, हाथी, लोमड़ी और हिरन को बुलावा भेजता है और कहता है, देखो खरगोश के टमाटर किसी ने चुरा लिए हैं। उसका कहना है कि तुम तीनों ने उसके टमाटर चुराए हैं। अब बताओ कि किसने खरगोश के टमाटर चुराए? ये सुनकर तीनों चौंक जाते। नहीं महाराज, हम तीनों ने खरगोश के टमाटर नहीं चुराए, हमें नहीं मालूम कि किसने उसके टमाटर चुराए हैं। महाराज लोमड़ी सही कह रही है,
अगर आप चाहो तो हमारे घर की तलाशी ले सकते हो। हाथी की ये बात सुनकर शेर कहता है, मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूँ, जल्द से जल्द तुम लोग उस टमाटर चोर को पकड़ो। ये सुनकर हाथी, हिरन और लोमड़ी चोर को ढूंढने लग जाते। वो सारा जंगल छान मारते पर चोर का कोई पता नहीं चलता। अरे मैं तो थक गया, कल सुबह होते ही उस चोर को ढूंढने निकलते। हाँ मैं भी थक गई हूँ, जाकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ये तीनों अपने अपने घर निकलते कि रास्ते में हिरन को बंदर नजर आता है, जो सबकी नजरों से छिपकर कहीं जा रहा था। हिरन बंदर को आवाज़ देती है पर बंदर हिरन की आवाज़ को अनसुना कर देता है। ये देखकर हिरन को बंदर पर शक होता है। अरे इस बंदर को क्या हुआ, ये इस वक्त ये चोरी छुपे कहाँ जा रहा है, मुझे पता लगाना होगा। ये कहकर वो बंदर का पीछा करने लगती है। बंदर एक गुफा में जाता है जहाँ ढेर सारे टमाटर थे जो खरगोश के खेत से बंदर ने चुराए थे। बंदर टमाटरों को देखकर कहता है, अरे वाह कितने ताजे और लाल टमाटर हैं, चलो अच्छा है कि किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, अब मैं इन टमाटरों को आराम से खाऊंगा। ये देखकर हिरन कहता है, अच्छा तो ये सब तेरा किया धरा है, अरे वाह बंदर मामा, अब देख मैं क्या करती हूँ। ये कहकर हिरन भागती हुई हाथी और लोमड़ी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है, और वो तीनों शेर और खरगोश को लेकर बंदर के पास आते। बंदर गुफा में बैठकर आराम से टमाटर खा रहा था। ये देख शेर जोर से दहाड़ मारता है। शेर की दहाड़ सुन बंदर की हवा गुल हो जाती और वो अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे मर गया अब तो महाराज, अगर मैं इनके हाथ लग गया तो मेरी हड्डी भी नहीं बचेगी, चल भाग ले बेटा, जिंदा रहा तो सूखी घास पे खाकर जी सकता है। ये सोचकर बंदर पलक झपकते ही वहां से 9-11 हो गया। ये सब देख रहे खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने दोस्तों से माफी मांगते हुए बोला, अरे दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैंने जाने अनजाने तुम तीनों पर गलती इल्जाम लगा दिया, मुझे अपनी दोस्ती पर विश्वास करना चाहिए था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया यही बात बहुत है, और हाँ एक बात हमेशा याद रखना, बिना देखे बिना सोचे और बिना सुने किसी पर भी विश्वास मत करना, खासकर जब वो तुम्हारे अच्छे दोस्त हो तो। इस तरह वो तीनों दोबारा अच्छे दोस्त बन गए और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगे।